बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स में जो हमने देखा था, दैट इज अबाउट स्टडी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड पोटेनोफ्रीडिया। नाउ द पॉइंट ऑफ टॉकिंग इज मेटानेफ्रीडिया, अ मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अमंग द इनवर्टिब्रेट्स इज द मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस स्ट्रक्चर समझा जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में जो किडनी के तौर पर एक्ट करता है स्ट्रक्चर, उसे मेटा नेफ्रिडियम कहते हैं। मेटा मतलब बियॉन्ड, नेफ्रिडियन मतलब किडनी, और इसको प्लूरल मेटा नेफ्रिडिया कहते हैं, और सिंगुलर इसको मेटा नेफ्रिडियम कहते हैं। प्रोटो नेफ्रिडिया एंड मेटा नेफ्रिडिया हैव क्रिटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। ज्यादातर जो डिफरेंस होता है वो नेफ्रेनिक जो यूनिट होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, उसकी बेस पे होता है। बोथ ओपन टू द आउटसाइड बॉडी, बट मेटानेफ्रीडिया आल्सो ओपन इंटरनली टू द बॉडी फ्लूइड एंड आर मल्टी सेलुलर। प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया जो दोनों स्ट्रक्चर हैं फिल्ट्रेशन के इनवर्टिब्रेट्स में, उन दोनों की ओपनिंग्स होती हैं आउटसाइड द बॉडी, लेकिन डिफरेंस क्या है, मेटानेफ्रिडिया इनसाइड भी ओपन होती है और इनटू बॉडी फ्लूइड्स में, और मल्टी सेलुलर है। मेटानेफ्रिडिया जो है वो साथ साथ मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर में इट इज मेड अप ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल। मोस्ट एनालिट्स सच एज कॉमन अर्थवर्म एंड द वैरायटी ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स हैव अ मेटानेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत से ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम रखते हैं। उनकी सबसे नुमाया एग्जांपल जो है दैट इज अबाउट अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटर है इसका। अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, और हर सेगमेंटेड में पेयर ऑफ नेफ्रिडिया होता है। एज वी टॉक इन आवर प्रीवियस लेक्चर के जब हम इनवर्टिब्रेट्स को डिटेल से स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा था सेगमेंटेड वर्म जो हैं, अर्थ वर्म जो होते हैं, ये सेगमेंटेड वर्म होते हैं। इनकी बॉडी में डिफरेंट सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में पेयर ऑफ नेफ्रिडिया मौजूद होता है। एक नेफ्रिडियम जो है बिगिन विद आसिलेटेड फनल, सीलिएटेड फनल होती है, नेफ्रोस्टॉम होता है। ये बॉडी से आउटसाइड जो होता है वो ओपन होता है और रेगुलेशन में हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को। अगर आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो आपको वाजिया होगा, ये जो बॉडी है इनकी सेगमेंटेड है, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं लाइक दिस, दीज आर द सेगमेंट, और हर सेगमेंट में नेफ्रोस्ट्रॉम्स पाए जाते हैं। दीज आर नेफ्रोस्ट्रॉम्स लाइक दिस वन इज नेफ्रोस्ट्रॉम, और आउटसाइड ओपनिंग जो इन किडनीज के हैं उसे कहते हैं नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है। ये पोस्टीरियर एंड है बॉडी का, ये इंटीरियर एंड होता है, और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक है, और ये कैपिलरीज का रेड कलर में जो है वो नेटवर्क है। दीज आर द सेप्टा बिटवीन द टू सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स के दरमियान जो सेपरेशन वॉल होती है उसे सेप्टा कहते हैं। तो यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि मेटानेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म के हर सेगमेंट में पाई जाती है। लाइक ये अगर ये एक मेटानेफ्रीडिया, तो ये ब्लू कलर में विंड पाइप लाइक ये उसका ट्यूब्यूल है, और ये उसका ब्लैडर है, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टॉम। अर्थवर्म नेफ्रिडियम, द नेफ्रिडियम ओपन्स बाय एसिलिएटेड नेफ्रोस्टॉम। ओपन किसके थ्रू होता है, सिलिएटेड नेफ्रोस्टॉम के थ्रू ओपन होता है। सिलिएटेड नेफ्रोस्टॉम से ओपन होता है इनटू द कैविटी ऑफ वन सेगमेंट, हर सेगमेंट की कैविटी में ये ओपन होता है, यानी कि जो भी अर्थवर्म की बॉडी में सेगमेंट बने हुए हैं उनकी कैविटी में मेटानेफ्रीडिया जो है वो नेफ्रोस्टॉम के थ्रू ओपन होता है, और जो उसका नेक्स्ट सेगमेंट होता है नेफ्रिडियोपोर होता है। तो हमने पीछे बात की थी मेटानेफ्रीडिया ओपन इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, ये जो पॉइंट है उसका इनसाइड ओपनिंग का है, और ये पॉइंट जो है उसका आउटसाइड ओपनिंग का। इनसाइड ओपनिंग नेफ्रोस्टॉम कहलाती है, आउटसाइड ओपनिंग जो होती है वो नेफ्रिडियोपोर कहलाती है। द मेटानेफ्रीडियम ओपन बाय असिलिएटेड नेफ्रोस्टॉम इनटू द कैविटी ऑफ वन सेगमेंट,
And the next segment contains the nephridiopore. The main tubular portion of the metanephridia is coiled and surrounded by the blood capillary. ये जो tubular form इसकी coiled है like this, ये जो tubular form है इसको किसने सराउंड किया है? ब्लड कैपिलरीज में. रेड कलर में जो यहाँ पे शो की गई है, दीज आर ब्लड कैपिलरीज. तो ये जो कन्वोलेटेड ट्यूब है, कर्व ट्यूब है, लाइक इस ट्यूब्यूल्स को सराउंड किया गया है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू. वेस्ट कैन बी स्टोर इन द ब्लैडर. तो यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, इट इज एक्चुअली अ ब्लैडर. तो सारा का सारा वेस्ट जो है इस ब्लैडर में कलेक्ट किया जाता है बिफोर एक्सपेल इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी. यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद इसको इस ट्यूब के थ्रू नेफ्रिडियोपोर तक पहुँचाया जाता है, और नेफ्रिडियोपोर से ये आगे आउटसाइड इन्वायरमेंट एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि एनेलिड्स में कॉमन अर्थ फॉर्म जिस तरह के हो गया, वेराइटी ऑफ अर्थ ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स है जिनमें मेटानेफ्रिडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं. अर्थ फॉर्म को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने उसमें देखा कि उसकी बॉडी सेगमेंटेड है, हर सेगमेंट में मेटानेफ्रिडिया का पेयर है. सिंगुलर जो मेटानेफ्रिडियम कहलाती है, इसमें सिलिएटेड फनल होती है, नेफ्रोस्ट्रोम होता है, ओपन होता है फ्रॉम द बॉडी कैविटी में, और सेगमेंट जो होते हैं वो कॉइल्ड ट्यूब्यूल के साथ अटैच होता है. एज चुसिलिया होते हैं नेफ्रोस्टोम में, वो बीटिंग करते हैं, फ्लूइड्स जो मूव करता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और इसके ट्यूब्यूल्स के दरमियान रीअब्सॉर्प्शन होती है. जिस नेटवर्क ने ट्यूब्यूल को सराउंड किया होता है वहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होती है. हर ट्यूब्यूल जो है लीड करती है टू एन इनलार्ज ब्लैडर, वहां पर जाके एम्पथी होती है, यूरिन को एम्पथी करती है, और यूरिन जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक ऑप्शन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है या एक्सपेल किया जाता है, दैट इज नेफ्रिडियोपोर. ईच डे एन अर्थवर्म में प्रोड्यूस अ वॉल्यूम ऑफ द यूरिन दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट. एक दिन में अर्थवर्म जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है वो उसके बॉडी वेट के 60% बॉडी वेट के इक्वल होता है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द मोलस्क इंक्लूड प्रोटोनेफ्रिडिया इन लार्वा स्टेज एंड मेटानेफ्रिडिया इन एडल्ट स्टेज. तो वो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो मोलस्क होते हैं, मोलस्कन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें उन स्पीशीज में प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो ड्यूरिंग लार्वल स्टेज स्टडी की जा सकती है, और मेटानेफ्रिडिया उनकी एडल्ट स्टेज में. जिस तरह के आप देखेंगे कि आगे लार्वा स्टेज में मेटानेफ्रिडिया होगी रेप्टाइल्स में, तो फिर आपको रिकॉल कर दूं कि हमने आज जो स्टडी किया है वो है एक्चुअली मेटानेफ्रिडियम क्या होता है. सिंगुलर वर्ड है मेटानेफ्रिडियम और प्लूरल वर्ड है मेटानेफ्रिडिया. इसका रिप्रेजेंटेटिव हमने स्टडी किया दैट इज अर्थ वर्म. हमने कहा अर्थ वर्म की बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेड वर्म है, हर सेगमेंट में जो है मेटानेफ्रिडिया वो मौजूद होता है. मेटानेफ्रिडिया खुद किस चीज से मिलकर बना है, कि कौन से इसके कंपोनेंट हैं, अगर हम इनके कंपोनेंट को स्टडी करें तो हमने देखा इनमें एक ट्यूब्यूल पाई जाती है, एक इनकी ओपनिंग होती है आउटसाइड इनसाइड द बॉडी, और एक इनकी ओपनिंग होती है आउटसाइड द बॉडी. इनसाइड बॉडी ओपनिंग को मेटानेफ्रिडियो, आउटसाइड बॉडी ओपनिंग को मेटानेफ्रिडियो पोर कहते हैं, इनसाइड ओपनिंग को नेफ्रोस्ट्रोम कहते हैं, और इनके साथ जो कॉइल्ड ट्यूब अटैच होती है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं. और ये ट्यूब्यूल किसके साथ कनेक्टेड होती है? ब्लैडर के साथ. ब्लैडर वो पॉइंट है जहाँ पर जाके सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सपेल किया जाता है, और यहाँ से फिर नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बॉडी से आउटसाइड मूव करा दिया जाता है. किडनी जो है वो लोअर साइड पे है टू द एंटेस्टाइन. एंटेस्टाइन जो है वो मिडल रीजन है. दो सेगमेंट जो है वो एक लाइक सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं, सेपरेशन वॉल को सेप्टम कहते हैं, और ब्लड कैपिलरीज और ट्यूब्यूल जो है मेटानेफ्रिडिया की, इनके दरमियान जो है वो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स का और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का. अब्सॉर्प्शन एंड रीअब्सॉर्प्शन का जो अमल है वो कैपिलरीज और ट्यूब्यूल के दरमियान में होता है. तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके बाद उसने बताया कि जो
मोलस्कन्स हैं, मोलस्कन में जो लार्वल स्टेज होती है उस स्टेज में तो प्रोटोनाफिडिया कितनी होती है, लेकिन जैसे ही मोलस्कन एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें मेटानाफिडिया कितनी आ जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे मेटानाफिडिया क्या है, तो मोर एडवांस फॉर्म एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तो माइंड में रहेगी सिर्फ इन्वर्टिब्रेट का मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें आपने फिर आपने एक्सप्लेन कर देना इसके फंक्शंस और पार्ट्स, तो इनके रिप्रेजेंटेटर याद रखिएगा।